बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ और टाइम हो गया, टाइम ही नहीं लगा मुझे। तो आप जैसे कि देख सकते हो वी आर ट्रैवलिंग, हम लोग आज कोटद्वार जा रहे हैं और ये मेरा भाई भी जा रहा है, ये यहाँ पे दूसरा भाई चाचा का बेटा बैठा हुआ है और यहाँ पे मेरे पति देव गाड़ी चला रहे हैं। तो हम लोग अभी तो कोटद्वार जा रहे हैं और कल हम कोटद्वार से गाँव जाएंगे। विशु आपने आज हाय नहीं बोला, हाय बोलना भूल गई शायद आज, हो क्योंकि बहुत टाइम बाद कैमरा खुला तो शायद भूल गई हो। गाइस तो हम लोग जैसा कि ट्रैवल कर रहे थे कोटद्वार और हम लोग पहुंच चुके हैं। विशु हाय बोल दो, हाय। और अभी हो रही है शाम, तो हम लोग दिन में पहुंच गए थे और हम लोगों ने खाना खाया और रेस्ट वेस्ट किया और अभी शाम हो रही है और हम लोग अभी छत पे आए हुए हैं और मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ। व्यू इन द सेंस सूरज बहुत सुंदर लग रहा है अभी, मतलब पेड़ों के पीछे से और जो सूरज की रोशनी दिख रही है ना तो ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये हमारी मिशिता। तो एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी हमारी वीडियो में कि हमने मिशु का हेयर कट कराया है। तो पुरानी वीडियोस में आपने देखा कि मिशु के बाल बड़े हो गए थे और हमने इसका हेयर कट करा दिया क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही थी और इसकी ना आँखों में बाल भी आ रहे थे। तो हम लोग जिसे रबर बैंड या क्लिप लगाते हैं तो ये रखती नहीं है बालों में बिल्कुल भी, तो हमने सोचा इसका हेयर कट करा देते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मिशु हाय करो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। तो आज है नया दिन और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोटद्वार में हैं, तो अभी हम लोग कोटद्वार से गांव के लिए निकल चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं गाड़ी में। तो देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का रास्ता। रुके हैं रास्ते में और थक गए थे काफ़ी और इन लोगों को चाय पीनी थी, तो हम लोग अभी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे 5-10 मिनट में। गए और मैं आपको दिखाती हूँ गांव। ये हमारा घर गांव है और ये हमारा पुराना घर था गांव में और ये अभी नया घर है और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं सब। हाय बोलो, हाय, हेलो। वो चिल्लाना शुरू, वो देखो यहाँ पे बैठ के कार्टून देख रहा है मिश्ता। मिश्ता ने लंच किया अभी, अभी कार्टून देख रहे हो आप। इधर देखो, हाय करो जरा सबको, बोलो हम गांव पहुंच गए, हम गांव पहुंच गए। और यहाँ पे सो गाइस हम लोग अभी वॉक पे निकले हैं, दिन का टाइम हो रहा है, 4-4:30 बज रहे होंगे। और ये देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतनी मतलब बारिश हुई और अभी धूप निकल आई है और देखो यहाँ मौसम देखो। तो ये है हमारा घर, मतलब मम्मी पापा ने ये घर बनाया नया, पहले यहाँ पे ये पुराना घर था मिट्टी का जो नॉर्मल होता है गांव में,
बट वो थोड़ा टूट गया था, तो फिर पापा ने नया घर बनाया और ये पुराना घर है, ये मेरे छोटे चाचा ने बनाया था। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये जो पेड़ है ना, ये पीछे ये पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है। इस पेड़ के पीछे ना बहुत सारी यादें छुपी है, क्योंकि बचपन में हम लोग जब गांव आते थे ना, तो इस पेड़ पे चढ़ जाते थे और इस पेड़ पे चढ़ के पानी की बोतलों में या जूस वूस बना के ना उसमें बैठ के पीते रहते थे दिन भर। ये करते रहते थे हम लोग। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है गांव में। ये वहां दूर के गांव में किसी ने आग जला दी है, एक गांव ये है और इधर कुछ गांव हैं, और ये है खेत, और वो ऊपर पहाड़ पे ना मंदिर है हमारे गांव में, भैरव का मंदिर है। तो मतलब आसपास के गांव या जितने भी इधर आसपास गांव हैं, मतलब हमारे भैरव देवता की बहुत मान्यता है, तो लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। और ये घर जो आप देख रहे हैं, तो इस घर में शादी है और हम इसी शादी को अटेंड करने के लिए गांव आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया बारिश हुई थी, तो यहाँ पर ना ठंड लग रही थी, तो मैंने मीशू को अंदर से इनर पहना दी थी, क्योंकि मैं उसके ठंडे कपड़े भी लाई हुई थी। मम्मी पापा ने बोला था कि गाँव में ठंडा है, और अभी देखो क्या धूप आई है। बट शाम को मे बी सुबह शाम को थोड़ा ठंडा है, तो मतलब ठंड लगेगी। हम तो नहीं लाए अपने गर्म कपड़े, बट मीशू के ले आई थी मैं। ये देखो मीशू इज़ एंजॉयिंग इन हर नानी नानाज गांव। डॉगी आ गया, डॉगी डॉगी वो सिल्की नहीं है। तो देहरादून में एक डॉगी है, उसको सिल्की सिल्की बोलते हैं, वो उसको भी सिल्की सिल्की बोल रही है। तो मिशू पहली बार नाना नानी के घर आई है और उसको शायद पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुला खुला है ना, तो वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है उसे। तो सही तो है बच्चे के लिए। सो गाइस, हम लोग वॉक करते करते जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ ना मिशू की बॉटल छूट गई थी। हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी और ये घर है पीछे। लॉक तो खुला ही है। मिश्ता हाय करो सबको। हाय एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। वो देखो चली गई है, अकेले जाएगी आज वो भ्रमण करने, सैर सपाटा करने। एक छोटू सा मंदिर यहाँ पे है, मैं इस मंदिर में अभी तक गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गांव आ रही हूँ, और क्या बोलते हैं, मतलब जब से एक मंदिर बनाया ना, मैं तब से आई नहीं थी, और होपफुली मैं अब जाऊँ दूसरे दिन। सो गांव से ना मेरा बहुत लगाव है, और मैं गांव में जो है आई थिंक आफ्टर थ्री इयर्स 3 साल के बाद अपने गांव आ रही हूँ। बचपन में हम हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे, पहले दादा दादी थे, फिर चाचा चाची लोग रहते थे, उसके बाद दादा दादी तो रहे नहीं और चाची और भी देहरादून शिफ्ट हो गए। तो लास्ट टाइम मैं शादी के बाद ही आई थी, अनुरागर में आए थे, पूजा थी हमारे गाँव में, और अभी मिशू को लेके आए हैं क्योंकि शादी है, तो हम इंजॉय करेंगे। अनुराग मिशू को हैंडपंप से पानी निकालना सिखा रहे हैं। मिशू क्या कर रहे हो आप, ये आप क्या कर रहे हो? मुंह धो रहा हूं। भीगना नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं गंदा पानी आ रहा होगा यार उसमें, मुंह मत धुलाओ, पता नहीं। गंदा है। हाँ तो मत करो, चलो इधर आओ, इधर आओ मिशी। गंदा है पर ठंडा है। अरे वो पीना दे यार ठंडा पानी, उसको गिरा दो। बंद कर दिया मैंने। अच्छा पारा। सो गाइस, आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, आज मैं जब निकली थी मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। मतलब गुरुद्वारे से जब हम निकले थे और जब हम पहुंचे तो मैंने दूसरे कपड़े पहने। इसका रीज़न ये है कि रास्ते में ना इस मिशिता की बच्ची ने मेरे ऊपर उल्टी कर दी। डायलॉग मार रही हूँ। तो उसने ना मेरे ऊपर उल्टी कर दी और मैं पूरी पीछे से गीली और गंदी हो गई थी, तो फिर रास्ते में ही गाड़ी रोक के ना मैंने ये ऊपर का अपना टी शर्ट चेंज कर लिया। हाँ देखो मम्मी खड़ी है। और हम लोग यहाँ रोड रोड से वापस घर जा रहे हैं। तो गाइस ये है अनार, अनार का पेड़, और इस पे अनार के फूल आए हुए हैं। हमारे गांव का निचला हिस्सा है। हमारे गांव में ना ये नीचे का पार्ट है और कुछ गांव घर हैं, और ये अभी हम वापस घर जा रहे हैं। तुम्हारे भी बढ़ाना दी, लो लो तुम भी आ गए अमीर वीडियो में।
बिल्कुल बिल्कुल ये देखो कैसे करता है, ये देखो काओ काओ, हेलो काओ, हेलो करो, हेलो करो काओ को, कैसे करता हूं वो आपको देख रहा हूं, वो देखो एक और काओ आ रही है, रुक गया सारी भागवत के, ओ भाग गई भाग गई भाग गई, अरे यार हाँ मारने ना आए गई, वापस चलो।